हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। क्रिसमस पर बनाने के लिए आज मैं मोल्डेड चॉकलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह क्रिसमस पर देने के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। आप किसी भी अपने खास रिलेटिव को इसे गिफ्ट कर सकते हैं और घर में खाने के लिए तो अच्छा है ही। इसे हम सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट से बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डार्क कंपाउंड लिया है, साथ ही में मैंने मिल्क कंपाउंड लिया है। इन दो से ही हम इन चॉकलेट को बनाकर तैयार करेंगे। डार्क कंपाउंड का मैंने ये एक जो पीस है वो ले लिया है, यह लगभग 100 ग्राम का है। और मिल्क कंपाउंड का भी मैं इसे डबल ले लूँगी, यानी कि 200 ग्राम लूँगी। आप चाहे तो इनकी क्वांटिटी इक्वल ले सकते हैं, पर मुझे इस तरीके से टेस्ट ज़्यादा बेटर लगता है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर कुछ मोल्ड ले लिए हैं, यह अलग अलग तरीके के मोल्ड है। अगर आप बड़ा स्लैब बनाना चाहते हो इसे यूज़ कर सकते हैं, कुछ कप केक के डिज़ाइन में और साथ में टेडी बियर के अकॉर्डिंग है। अगर आप टेडी बियर की बनाना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके के किसी भी तरीके का कोई भी मोल्ड लिया जा सकता है। काफ़ी बड़ी चॉकलेट बनाने के लिए इस तरीके का मोल्ड ले सकते हैं। अब हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। उसे मेल्ट करने के लिए मैंने एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और मैं इसके ऊपर ये बाउल रखकर इसे मेल्ट करूँगी। पर ये सही से फिट नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने रिंग इसके अंदर रख दिया और उसके ऊपर मैं बाउल रखूँगी। और मैंने एक जुगाड़ बना लिया है जिससे मैं चॉकलेट मेल्ट करके तैयार करूँगी। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। इसे माइक्रोवेव में कैसे मेल्ट करते हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। देखिए, मैंने एक स्लैब जो है इसके अंदर डाल दिया। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा तो चॉकलेट मेल्ट होती चली जाएगी। हम इसे मूव करते रहना है, अगर हम एक जगह ही छोड़ देंगे तो हमारी चॉकलेट जो है नीचे से जल जाएगी, इसलिए हमें इसे मूव करते रहना है। अब मैंने दूसरा स्लैब भी इसमें डाल दिया और मैं इसे चलाती रहूँगी। जब ये दोनों थोड़े थोड़े मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़े से मेल्ट हो जाएंगे, तो हम इसमें तीसरा स्लैब भी डाल देंगे। देखिए, काफ़ी मेल्ट हो गया है और चॉकलेट भी अच्छी गर्म हो गई है, तो इस टाइम पर मैंने तीसरा स्लैब भी इसके अंदर डाल दिया है। और इसे लगातार चलाते हुए हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट अच्छी चॉकलेट बनाने के लिए चॉकलेट का बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट होना ज़रूरी है। इसे मेल्ट होने में लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही मेल्ट करना है, फ्लेम को हाई नहीं रखना है। देखिए, चॉकलेट जो अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसके अंदर बिल्कुल भी गांठ नहीं रहनी चाहिए, इसलिए इसे अच्छे से स्टर कर ले ताकि जो भी थोड़ी बहुत चॉकलेट बच गई वह भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए, परफेक्टली मेल्ट होकर तैयार है। आप देख ही रहे होंगे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिन सी हो गई है, ये क्योंकि अच्छे से मेल्ट हो गई है। मैंने इस टाइम पर गैस फ्लेम को ऑफ कर दिया है। आप नीचे देख ही रहे होंगे पानी में बुलबुले होना बंद हो गए। अब हम इसे सेट करेंगे, उसके लिए मैंने मोल्ड ले लिया है। इसमें हम थोड़ी थोड़ी चॉकलेट डाल देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी छोटी कटोरी या फिर किसी कोई भी चीज़ अपने किचन का कोई भी बर्तन यूज़ करके उसके उसमें डालकर इसे जमा सकते हैं, पर यह आसानी से दुकान पर मिल जाते हैं। ये देखिए, मैंने सारे मोल्ड को इसी तरीके से फिल कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा एक मोल्ड जो है फिल होकर तैयार है। अब मैं इस टेडी बियर वाले मोल्ड को भी इस तरीके से फिल कर लूँगी। एक्चुअली ये मोल्ड नहीं है, इसके अंदर जेली आई थी तो मैंने जेली को खाली करके इसे रख लिया था। अब मैं इसके अंदर चॉकलेट फिल करके चॉकलेट की शेप दूंगी। आप भी इसी तरीके से कोई वगैरह अगर मोल्ड ना मिले तो कोई भी जुगाड़ बना सकते हैं। देखिए, मैंने इसे भी फिल कर लिया। अब हम इसे एक दो बार टैप कर देंगे, इससे क्या होगा चॉकलेट जो है अच्छे से नीचे बैठ जाएगी, ऊपर से भी इक्वल हो जाएगी। ये देखिए, इसको भी मैंने टैप कर लिया। अब हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और मैंने अब ये थोड़ी सी चॉकलेट बच गई थी तो उसे एक कोन में डाल लिया है और फिर हम इसे मोल्ड में फिल करेंगे। इस तरीके से कोन में डालकर फिल करने से काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से चॉकलेट बनकर तैयार होती है और काफ़ी अच्छी शेप आ जाती है और परफेक्ट क्वान्टिटी में चॉकलेट बनती है। सारी शेप्स एक जैसे हो जाते हैं। देखिए, हम इसे टैप कर देंगे। आप देख ही रहे होंगे ऊपर से इसका सरफेस कितना अच्छा स्मूद हो गया है। टैप करना ज़रूरी है तो इसलिए टैप कर दे। इसे भी हम फ्रिज में रख देंगे। देखिए, मैंने इसे 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। ये अच्छे से सेट हो गया। हमें इसे फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, क्योंकि ठंडी चल रही है तो ये जल्दी ही सेट हो जाती है। अब हम इसे उल्टा करके थपथपा लेंगे और इसे डिमोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा अंगूठे का से प्रेशर देकर भी आप इसे मोल्ड कर सकते हैं। देखिए, कितनी अच्छी चॉकलेट बनकर तैयार हुई है, कितनी अच्छी शेप आई है। इस तरीके से हम बाकी की चॉकलेट को भी डिमोल्ड करेंगे। देखिए, तो उठाते ही डिमोल्ड हो गई है। तो आप भी इसी तरीके से चॉकलेट बना सकते हैं। खाने में इसका टेस्ट एकदम मार्केट की चॉकलेट जैसा होता है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। जो मैंने आपको पूरा पैकेट दिखाया था उसकी प्राइस, मिल्क कंपाउंड की प्राइस 100 रुपीज़ और डार्क कंपाउंड की प्राइस 85 रुपीज़ है। ये देखिए, हमारी सारी चॉकलेट बनकर तैयार है। इन्हें चलिए गिफ्ट रैप कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को इन्हें गिफ्ट कर रहे हैं तो गिफ्ट रैप करके देंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है उसे पीसेस में काट लिया और साथ ही में गिफ्ट रैप के पेपर भी ले लिए हैं। आप इस तरीके से इसे फोल्ड करके रैप कर सकते हैं।
वैसे तो मार्केट में इसे पैक करने के लिए अलग से पेपर मिलता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप एल्युमिनियम फॉइल में भी इसे पैक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक चॉकलेट को पैक कर लिया है। आप इस तरीके से पैक करके भी इसे घर में भी स्टोर करके रख सकते हैं, इसे आप फ्रिज में या फिर बाहर ही छोड़ दें अगर ठंड है तो ये मेल्ट नहीं होगी ना ही चिपचिपी होगी। देखिए गिफ्ट रैप में पैक करने के लिए इसे इस तरीके से घुमाकर फोल्ड करें और ऊपर टेप से इसे सिक्योर कर दें। यहाँ पर मैंने ग्रीन टेप का यूज़ किया है, येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है, आप चाहे तो सेम येलो कलर या फिर रेड कलर जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से चॉकलेट पैक हो गई है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर दो तीन चॉकलेट को और पैक कर लिया है, आप भी इसी तरीके से चॉकलेट पैक कर लें और आप किसी अपने को गिफ्ट करें, उनको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप चॉकलेट की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।